नमस्कार दोस्तों, आज हम एक न्यू चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण के युग। ये चैप्टर आपके एनसीईआरटी किताब का थर्ड चैप्टर है। इसको इंग्लिश में हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स कहते हैं। इस चैप्टर के कुल 5 वीडियोस हैं, जिसमें से पार्ट 1 हम आज पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं पार्ट 1 में हम कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे। भूमिका यानी कि इंट्रोडक्शन, रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल। रैखिक समीकरण को हम इंग्लिश में लीनियर इक्वेशन कहते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि जो ये चैप्टर का नाम है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण के युग्म, इसका अर्थ क्या है। क्योंकि आप देख रहे हैं चैप्टर का नाम बहुत बड़ा है, तो हम इसको टुकड़ों में डिवाइड करके पता करते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है। सबसे पहले शुरू करते हैं चरों से। चर का क्या अर्थ होता है, आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा। चर यानी कि वेरिएबल्स ऐसी संख्याएं होती हैं जिसका कोई नंबर फिक्स नहीं होता है। इसके नंबर चेंज हो सकते हैं या ये कोई भी और संख्या ले सकता है, जैसे कि x, y, z, etc. x का मान यहाँ पर कुछ भी हो सकता है जो हमें अभी ज्ञात नहीं है। अब नाम क्या है इसका, दो चरों। यानी इस चैप्टर में जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो उन समीकरण में दो चर होंगे। तो चलिए मान लेते हैं वो दो चर हैं x तथा y। अब आगे क्या है, आगे है रैखिक। रैखिक का क्या अर्थ होता है, रैखिक का अर्थ होता है जो चर है यानी जो वेरिएबल है इसकी घात अगर एक हो। तो हम जो समीकरण इसमें पढ़ेंगे उन समीकरणों में चरों की घात कितनी होगी, एक। यानी एक्सप्रेशन कुछ इस प्रकार का होगा, a1x plus b1y plus c1, जहां पर a1, b1 तथा c1 वास्तविक संख्याएं हैं। इसके बाद आता है शब्द समीकरण। समीकरण का अर्थ क्या है कि यहाँ पर एक बराबर का चिन्ह होगा और उसके बराबर में शून्य या फिर कोई और संख्या होगी। यानी दो चरों वाले रैखिक समीकरण किस प्रकार के होंगे, a1x plus b1y plus c1 बराबर शून्य। आगे क्या है, के युग्म। युग्म का क्या मतलब होता है, पेयर। यानी इस प्रकार के समीकरण हमारे पास कुल दो होंगे, जहां पर अब आप देख रहे हैं दूसरा समीकरण क्या है, a2x plus b2y plus c2 बराबर जीरो। यहां पर भी a2, b2 तथा c2 वास्तविक संख्याएं हैं। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार हमें समीकरण 1 तथा समीकरण 2 प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार के समीकरणों को हम कहते हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण के युग्म। क्योंकि आप देख पा रहे हैं यहाँ दो चर हैं x तथा y। रैखिक है क्योंकि x और y दोनों की घात क्या है, 1। समीकरण है क्योंकि दोनों में ही बराबर का साइन आ रहा है। और युग्म क्योंकि इस प्रकार के हमारे पास कुल दो समीकरण है। तो चलिए शुरू करते हैं ग्राफीय विधि। ग्राफीय विधि को हम इंग्लिश में ज्योमेट्रिकल मेथड कहते हैं। तो रैखिक समीकरण के युग्म का अगर हम ग्राफीय विधि से हल निकालें तो वो कुछ इस प्रकार होता है, जिसके लिए हमें ग्राफ पेपर की आवश्यकता होगी। इसके लिए हम कुछ इस प्रकार का ब्लैंक ग्राफ लेते हैं और उसको इस प्रकार से हम एक्स अक्ष और वाई अक्ष में विभाजित करते हैं। एक बार जान लेते हैं कि हम ग्राफ को खींचते किस प्रकार हैं। सबसे पहले हम एक्स अक्ष को बनाएंगे, इसके लिए हम एक क्षैतिज रेखा खींचते हैं। फिर वाई अक्ष बनाते हैं, इसके लिए हम ऊर्ध्वाधर रेखा खींचते हैं, यानी कि एक वर्टिकल लाइन खींचते हैं और इसको हम वाई अक्ष कहते हैं। और आपको पता होगा कि जहां पे ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती है उसको हम मूल बिंदु कहते हैं, यानी कि ओरिजिन कहते हैं। और इसके निर्देशांक क्या होते हैं, शून्य शून्य। और इस ग्राफ में कोई भी सॉल्यूशन जो हम लिखते हैं वो हमेशा पेयर्ड फॉर्म में होते हैं, यानी कि युग्म के फॉर्म में होते हैं, जहाँ पे पहला एक्स होता है तथा दूसरा वाई होता है। तो ये हमेशा एक्स कॉमा वाई की फॉर्म में होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन से। समीकरण युग्म एक्स प्लस 3y बराबर 6 तथा 2x माइनस 3y बराबर 12 को ग्राफ द्वारा हल कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं इसका सलूशन निकालना। हम प्रत्येक समीकरण के 3 हल ज्ञात करते हैं,
यहाँ पर आपके एनसीईआरटी किताब में कई बार समीकरण के हल सिर्फ दो दिए होते हैं, पर आप लोग अपने एग्जाम में तीन हल ज्ञात करें, क्योंकि दो पॉइंट्स निकालने के बाद हर एक दो पॉइंट का कोई ना कोई लाइन बन जाता है, यानी आप रेखा खींच पाएंगे। इस प्रकार हमें पता नहीं चलता है कि वो जो दो पॉइंट हमने निकाला है वो सही निकाला है या नहीं। अगर हम तीन पॉइंट्स निकालते हैं और अगर उसमें से एक भी गलत पॉइंट होता है तो हमारी सीधी रेखा नहीं बन पाती है और हमें उसी टाइम पता चल जाता है कि हमारा जो हल है वो सही है या नहीं है। इसीलिए आप हमेशा तीन हल निकालेंगे। तो चलिए पहले समीकरण से शुरू करते हैं, एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू सिक्स। अब हम किस तरीके से समीकरण का हल ज्ञात करते हैं, आपने एट्थ में और नाइन्थ में पढ़ा होगा। हम एक एक करके x या फिर y की वैल्यू को पुट करते हैं अपनी तरफ से कुछ भी लिख करके, और फिर देखते हैं कि दूसरे चर का उत्तर क्या आता है। यानी अगर मैंने x को शून्य पुट किया तो हमें y का मान मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम निकालते हैं और हम टेबल इस प्रकार बनाते हैं। अब अगर मैं x को शून्य पुट कर दूं, x की जगह अगर हम जीरो रखते हैं तो 3y is equals to 6 हो जाएगा और इस प्रकार हमें y बराबर 2 ज्ञात हो जाएगा। इसी के साथ अगर मैं y को शून्य पुट कर दूं, तो y को अगर जीरो डाल दें हम तो x का मान 6 आ जाएगा। अब दो सॉल्यूशन तो ये फिक्स हो गए कि एक पे हमने x को जीरो डाल दिया और एक पे हमने y को जीरो डाल दिया। तीसरा निकालने के लिए हम कुछ भी ले लेते हैं। एक मान लिया हमने y को एक डाला है, तो अगर y को हम एक लिखते हैं तो तीन गुने में एक तीन हो जाएगा और वो तीन दूसरी तरफ जा करके छह में से घट के वापस तीन हो जाएगा, यानी x का मान हमारे पास तीन आ जाएगा। तो इस प्रकार हमने इसका टेबल बना लिया। अब चलते हैं दूसरे समीकरण का टेबल बनाते हैं। इसमें भी हम इस समीकरण के तीन हल ज्ञात करेंगे। समीकरण क्या है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। तो हम टेबल बनाएंगे और फिर हम क्या करेंगे, उसी तरह से पहले x को शून्य डालेंगे, फिर y को शून्य डालेंगे और फिर x तथा y में से किसी भी एक संख्या को कुछ भी अपनी तरफ से रैंडमली ले लेंगे। तो यहाँ मैंने x को शून्य डाला तो मेरे पास y का मान माइनस का 4 आया। इसको टैली करने के लिए आप लोग अपनी कॉपी में भी साथ साथ हल करके देख सकते हैं। आगे हम क्या करेंगे, आगे हम y को शून्य पुट करेंगे। y को जीरो डालने पर हमारे पास x का मान क्या आ जाएगा, 6। अब हमने y को माइनस 2 डाला, अगर y की जगह पे हम माइनस 2 पुट करते हैं तो हमें x का मान 3 ज्ञात होगा। तो इस प्रकार हमारे पास दोनों टेबल बन गए x y के। अब हम इन दोनों टेबल को यूज करके ग्राफ बनाएंगे। तो आपको बताया था कि ग्राफ पेपर पे किस प्रकार से लाइन खींचनी है और आप इस प्रकार से 1, 2, 3, 4 अपने ग्राफ पेपर में बॉक्सेस में लिख लेंगे। हमारा पहला समीकरण है x plus 3y equal to 6, जिसका टेबल है ये, और साथ ही 2x minus 3y बराबर 12, इसका भी टेबल हमने बना लिया था। तो अब हम एक एक करके समीकरण के बिंदुओं को प्लॉट करेंगे। शुरू करते हैं पहले समीकरण से, यानी कि x plus 3y बराबर 6 के समीकरण से। अब पहला बिंदु है 0,2। तो अब ग्राफ पर देखिए 0,2 कहाँ पर होगा, x पे हमें 0 देखना है और y पे हमें 2 देखना है, तो यहाँ पर ये बिंदु आ गया जो कि 0,2 है। दूसरा बिंदु क्या है, 6,0। 6,0 का क्या अर्थ है, x अक्ष पर 6 होना चाहिए तथा y अक्ष पर 0 होना चाहिए, यानी कि ये बिंदु हो जाएगा। तीसरा बिंदु क्या है, 3,1, यानी x पर तो हमें 3 लेना है तथा y पर 1 लेना है, यानी ये जो बिंदु है ये 3,1 है। अब इन तीनों बिंदुओं से गुजरती हुई एक रेखा होगी, तो हम उस रेखा को खींचेंगे और रेखा के साथ में इस समीकरण का नाम लिख देंगे जो है x plus 3y equal to 6। इसी प्रकार अब हम दूसरे समीकरण के भी सभी बिंदुओं को ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। 0,-4, यानी x अक्ष पर तो 0 होना चाहिए और y अक्ष पर -4 होना चाहिए, यानी ये बिंदु हो जाएगा। दूसरा बिंदु है 6,0, यानी x अक्ष पर 6 होना चाहिए और y अक्ष पर 0 होना चाहिए, तो फिर से ये बिंदु आ जाएगा हमारे पास। तीसरा बिंदु है 3,-2,
3, -2 यानी कि x अक्ष पर 3 होना चाहिए तथा y अक्ष पर -2 होना चाहिए। तो ये पॉइंट आ जाएगा। अब फिर से दूसरे समीकरण के जो 3 पॉइंट्स हमने प्लॉट करे हैं, उन तीनों पॉइंट से गुजरती हुई एक रेखा चाहिए। उस रेखा को हमने ड्रॉ किया और रेखा के साथ ही हमने समीकरण का नाम लिख लिया है, जो है 2x - 3y = 12। तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो दोनों रेखाएं हैं वो एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, जो बिंदु क्या है, 6, 0। तो 6, 0 ही इस समीकरण का हल है, यानी जो हमारे पास दो समीकरण के युग्म है उसका हल क्या है, 6, 0। और 6, 0 का मतलब क्या है, x का मान 6 है तथा y का मान 0 है। तो x बराबर 6 और y बराबर 0 इस समीकरण का हल होगा। इस वीडियो में हमने सीखा भूमिका तथा रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल। अगली वीडियो यानी कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण के युग्म के पार्ट 2 में हम इसी टॉपिक के एक्स्ट्रा और चीजें देखेंगे, जहाँ पे हम ये देखेंगे कि रैखिक समीकरण जो अगर पेयर में है तो उनमें कुछ रिलेशन होता है क्या, हम समीकरणों को देख करके बिना ग्राफ ड्रॉ किए या बिना सोल्यूशन निकाले बता सकते हैं कि उसके कितने सोल्यूशंस हैं, सोल्यूशन है भी या नहीं। तो इस चीजों को हम देखेंगे हमारी अगली वीडियो में। धन्यवाद।